मैंने देखा कि यहाँ पे लगा हुआ है कैंप, जैसे देख सकते हैं काफी भीड़ लगी हुई है, तो ये वैक्सीन लग रही है। ये देखो हंस रही है। प्रसाद है, मेरी बहन लेकर आ रही। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्कू लाइव व्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त और बिंदास होंगे। तो आज का जो दिन है ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। तो आज मैं कहां क्या करने जा रहा हूं, ये तो आपको वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज धूप बहुत कम निकली है, यानी कि आज का दिन बहुत ठंडा होने वाला, ऐसे वाला। तो चलो, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सारा कुछ आपको दिखाते हैं। चलो। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे आया था चक्की आटा पिसवाने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे लगा हुआ है कैंप, जैसे देख सकते हैं काफी भीड़ लगी हुई है, तो ये वैक्सीन लग रही है, सेकेंड डोज फर्स्ट डोज दोनों यहाँ पे लग रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट डोज तो हो चुका था 84 दिन पहले, ठीक है, तो मेरा सेकेंड डोज है, तो मैंने सोचा चलो लगवा लूँ यहीं पे, ठीक है। तो चलो लगवाता हूँ और फिर देखते हैं, जो दिखाने को मिलेगा दिखाएंगे। उसके बाद ये सिलेंडर मैं भरा के लेकर आ गया, इसमें बंधा है, बोरी अभी अंदर रखी हुई है पिसना की, उसके बाद फिर निकलेंगे घर की तरफ। तो चलो मैं भी लाइन में लगता हूँ अभी। फाइनली कोविड वैक्सीन लग चुकी है, ये मेरा सेकेंड डोज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी उठाते हैं अपना पिसना, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ, ठीक है। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए और एंजॉय करते रहिए, अब टेंशन फ्री हो गया क्योंकि दोनों डोज लग चुके हैं। तो 50 मांग रहे, इसलिए तो मैंने तुमको दिया ना, नहीं तो दोस्त चेंज में तो बने। अरे तो फिर दे दो हमको, तुम वही बता। सत्तर वाली निकाल दिए, और ये फिर रख दो ये वाला, ये हम नमकीन और ये लिए ले रहे हैं। उनको फाइनली गाइस, अभी मैं घर आ चुका हूँ, मैं अभी छत पर हूँ, और जैसे मैं आटा लेकर वहाँ से निकला, उसके बाद रास्ते में तेज बूंदे पड़ने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि आज तो मैं भी भीग जाऊँगा और ये आटा भी भीग जाएगा। बट ज़्यादा देर तक बूंदे नहीं पड़ी, बूंदे रुक गई। आप लोगों ने देखा ही वीडियो में कि मुझे कोविड वैक्सीन का सेकेंड डोज लग चुका है, और ये जो मेरा सेकेंड डोज है ये 84 दिन के बाद लगा हुआ है। तो अभी कोविड वैक्सीन के दोनों डोज मुझे लग चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी आंटी जी के यहाँ, ठीक है, और आंटी जी ने देखो यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया फ्लावर लगाए हुए हैं, छोटी सी, ठीक है। और यहाँ पे ककड़ी भी एक बार लगाई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी इसी मिट्टी पर, छत के ऊपर, ठीक है। तो छत के ऊपर मिट्टी डाल के कुछ भी लगा सकते हैं, बढ़िया अच्छी तरीके से होता है ना। और ये हैं मेरी सिस्टर के हस्बैंड, यानी कि मेरे जीजा जी। आओ चलते हैं, तो चलो घर चलते हैं पहले आंटी जी। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी छत से, आ रहे हैं नमदाई, आज पूजा हुआ है ना, तुम बाद ही आए हो, बाद में तो हम चले गए थे ना वहाँ। ये देखो हंस रही। हेलो नमदाई, छिलो कहाँ जा रहा है, आशीर्वाद दिया करो, अच्छे अच्छे जय राम, जय राम, आशीर्वाद आशीर्वाद का जय राम। देखा, हाँ खूब खाओ, कहे आज का है वहाँ भंडारा है, अच्छा। तो मेरी बहन और हस्बैंड, और यहाँ पे पूजा हुआ है, कथा था आज यहाँ पर भी अंकल जी के यहाँ, मैं तो वहीं चला गया था,
क्या बना रही हो बिट्टी बताओ? छोला देखो चढ़ा है। इधर छोला बन रहा है, वाह इंतजाम तो बढ़िया है, इंतजाम तो बढ़िया है। ये सिस्टर आके बोल रुको मैं दिखाई, हाँ छोला बन रहा है, बढ़िया है, बहुत सही। पत्ता है बना रही है? हाँ लिपस्टिक पत्ते लिपस्टिक के बता रही है ये, ठीक है। और इधर बहन लोग लगी हैं, ठीक है। क्या बनेगा इधर? आलू परवल की सब्जी, ठीक है। अरे भाई देखो तुमका कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। तो इधर पूरा प्रोग्राम चल रहा है, देखो कैसे लग रहा है। ये क्या लेकर आ रही हो? ये प्रसाद है, प्रसाद है, मेरी बहन लेकर आ रही। वाह ये देखो, आओ आप लोग भी पियो। ये चंदा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ क्या है ये, किधर गई ये? तो ये प्रसाद है। हाँ तुम भी पियो लो। सो गाइस अभी आंटी जी के इधर से मैं आ चुका हूँ, और अभी मौसम थोड़ा सही दिख रहा है, ठंडा दिख रहा है। तो मम्मा जी देखो क्या कर रही हैं, ये देखो दरेती में दाल को दर रही हैं। ये उड़द की दाल है,